सो गाइज अपना फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गए गाइज, और देख रहे हैं आपको जो चीज़ बताए थे और जो प्लेस बताए थे, सो गाइज वही है, देख रहे कोयला खदान डिपा गाइज। तो चलते हैं आगे और मैं आपको ऊपर तक ब्लॉग। सो हाय, वेलकम बैक माय न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज, और अब एक सुबह का 7 बजे गाइज, और देख रहे हैं सूरज खिल गए हैं, और देख रहे हैं सूरज पूरा निकल गए, हल्का हल्का किरण निकल गई, और देख रहे हैं मेरे भाई लोग वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। और गाइज अभी मैं अभी उस होके उठ रहा हूँ, क्योंकि गाइज कल ऐसा हुआ था ना, कल ठंड बहुत थी और हम लोग मेरे दोस्त खाते में बैठे थे और हल्का फुल्का कुछ लाए थे और यहाँ आगे चला चला के कुछ खा रहे थे, हल्का हल्का गया था तो घर गए, और घर जाने के बाद थोड़ा लेटे और डिनर करना ही भूल गए। तो अभी उठ रहे गाइज, और एक चीज़ है आपको जमशेद और एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे ब्लॉग में रही है। आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जमशेदपुर के वो प्लेस दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, पर मैं आपको उस जगह पर उस प्लेस पर लेके चलूँगा। तो मैं और मेरे दोस्त के साथ चलूँगा, तो मेरा दोस्त उसके घर जाना पड़ेगा, और मैं वो चीज़ सुबह सुबह अभी दिखाऊंगा, क्योंकि सुबह सुबह उस जगह का पता चलता है कि वो उस प्लेस में आखिर क्या चीज़ है। तो गाइज़ तो मेरे ब्लॉग में बन रही है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो देख रहे हैं हमारे भाई लोग यहाँ से कुछ खाए नहीं थे तो कुछ खाना पड़ेगा। तो गाइज़ खिला लगा हुआ है इडली का, उसमें कुछ खाएँगे, तो दिखता है भैया इडली लगे ना। इडली 2 जगह कैसे दे रहा है ना, छोटा छोटा भाई भैया थोड़ा मिर्च देगा। भैया मिर्च और नमक दीजिए। तो गैस खा लेते हैं गैस, हम लोग रास्ते पे हैं, देख रहे हैं, और रास्ते पे हैं और तो गैस फाइनली हम लोग अपना डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, और कुछ ही दूर पे आपको दिखाने वाला हूँ उस जगह जिसे मैंने आपको बताया था। तो गैस देख रहे हैं ये कांसी का झूड़ है, और देख रहे हैं इतना बराबर लंबे लंबे कांसी का जोड़े, और देख रहे हैं और धूप तो खिल गई पूरी, और देख रहे हैं बाहर हैं चारों तरफ कांसी कांसी। सो गाइज मेरे ब्लॉग में अगर बने रही, और बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइज, और शायद रास्ता घूम हो गया गाइज। सो गाइज देख रहे हैं तरह का रास्ता है गाइस, और कांसियों का पूरा जोड़ पूरा भरा हुआ है, देख रहे हैं यही रास्ता है ना, ठीक है ना, है बाइक लॉक मार देना, चलो देखते हैं। सो गाइस अपना फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गए गाइस, और देख रहे हैं आपको जो चीज़ बताए थे और जो प्लेस बताए थे, सो गाइस वही है, देख रहे कोयला खदान, देख रहे गाइस बाबा डिपा गाइस। तो चलते हैं आगे और देख रहे हैं चारों तरफ आगे भी है, और आगे बहुत लंबे मतलब दूर तक फैला हुआ गाइस, और देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं कोयला ले जाते हैं। मैंने बोला था ना कि इस जगह से बहुतों का जुड़ा हुआ है, तो गाइस यहाँ से देख रहे हैं कोयला ले जाते हैं बहुत, जिसके घर में गैस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसके लिए और लोग ले जाते हैं कोयला वगैरह जो घर में चूल्हा ले काम आता है। देखिए एक गुंडी है, ये गुड़ी टाइप का है जिसको ऐसे ढेला ढेला बना के हम लोग मतलब चलाते हैं। तो देख रहे हैं ऊपर से रास्ता है गैस, देख रही है रास्ता है, वो रास्ता ऊपर ऊपर रहती है एकदम, वहाँ से कोयला लाते हैं फिर ये रास्ते से लेके जाते हैं। तो गाइस मेरे ब्लॉग में बन रही है, मैं आपको ऊपर तक लेके जाने का कोशिश करूँगा गाइस, तो मेरे ब्लॉग में बनाइए। तो चलो, तो देख रहे हैं इतना गड्ढा गड्ढा हो गया है, इधर से नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत एकदम हिल ऊपर रिक्शा है तो इससे चढ़ नहीं पाऊँगा, तो हम इस रास्ते से जाएँगे रास्ते से गाइस। और क्योंकि इसमें ढलान उतना नहीं है, तो देख रहे हैं बारिश के कारण कितना रास्ता गड्ढा वगैरह हो गए हैं, देख रहे हैं इतना लंबा लंबा गड्ढा हो गया है शायद। तो देख रहे हैं हाँ, कैसे लग रहा है कि कहीं कुछ चढ़ रहा है ना। सो गाइस देख रहे हैं हम, बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस, और मेरे ब्लॉग बना रहे हैं। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही एंटरटेनमेंट और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाता रहूँगा। और सो बना रहिए। और गाइस मेरे कमेंट नहीं करते हैं तो गाइस कमेंट भी मार दिया कीजिए, क्योंकि मुझसे उसे बहुत मोटिवेट मिलेगा, जिससे आने वाले दिनों में अच्छे अच्छे ब्लॉग अच्छे अच्छे प्लेस में आपको एक्सप्लोर कर सकूं। तो गाइस बने रहिए। देख रहे हैं ना बारिश कारण से सब पूरा गड्ढा हो गया है और मेरा तो अभी से सांस फूल रही है गाइस, और उतना बाकी है देख रहे हैं और उतना बाकी है और माइक उधर खड़ी है। देख रहे हैं अभी भी इतना दूर बाकी है, इस रास्ता है अभी सर बहुत कम मिलता ना, क्योंकि अगर ज़्यादा मिलता ना तो लगता है बहुत ले जाते होंगे शायद। अभी तक कोई दिख नहीं रहे हैं, हाल कुछ लोग आए थे और लेके गए हैं कोयला वगैरह। अब आ रहा मजा। गाइस देख रहे हैं हमारी ये जगह कैसे देख रहे हैं, लोकेशन अपना शहर। सो और ऊपर उठ के दिखाते हैं, अभी देख रहे हैं और भी कुछ बाकी है, देख रहे हैं उतना और चलना है। देख रहे हैं और कुछ देर चढ़े हैं। ओ भाई तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे याद है मेरे को शायद यहाँ से हम एक बार उतरे थे, एक बार बहुत पहले, एक बार यहाँ तो हाँ इस बार ऊपर से मेरे को इधर से चढ़ना पड़ेगा इधर से। सो गाइस देख रहे हैं हम आधा रास्ता हाँ चढ़ सकते हैं सर। तो गाइस देख रहे हैं कवर कर लिए हैं और देख रहे हैं और भी कवर करना बाकी है। और हमारे सर दिख रहे हैं कैसे, और वो देखिए उधर अपना जगह ट्रेन जा रही है उधर, और डैम दिख रहे हैं उधर शायद। आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पर ऊपर तक शायद लेके चल क्या करते हैं सर, उतरने में कोई दिक्कत होगा लगता है। तो पूरा लग रहा है साइज, मुझे चढ़ना पड़ेगा साइज। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए उतना भी करने के लिए रेडी हूँ गाइज, रिक्स लेने के रेडी हूँ। तो गाइज मैं आप लोगों को ऊपर लेके चलूँगा और वहाँ से आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा गाइज। सो बन रहिए, नहीं चलेगा तुम। देख रहे गाइज, अरे तेरे तो हाँ देख रहे हैं चप्पल खोल दे रहा है। सो गाइज मेरा दोस्त मना कर रहा था हार नहीं माने गाइज, कितना रिक्स लेने की रेडी है हाँ तो पूरा ढलान थोड़ी घिसेगा। सो गाइज देख रहे हैं देखिए यहाँ से रस्सी है गाइस, रस्सी नहीं कुछ पाइप वगैरह होंगे। शायद देख रहे हैं शायद सहारा मतलब भरोसा नहीं कर सकते गाइस, पता नहीं बंधा हुआ है कि नहीं है। अगर इसका सहारा हम चढ़े तो शायद गिर सकते हैं। सो गाइस जाओ, तू नहीं देख उधर देखना, तुम गाड़ी के सामने जाओ ना। सो गाइस मेरा दोस्त वो नीचे खड़ा हुआ और मैं ब्लॉग बनता हूँ। सो गाइस चलते हैं, देख रहे कैसे चढ़ रहे हैं। झुक के चलना पड़ रहा है। हाँ गाइस देख रहे हैं रस्सी के सहारे मैं ऊपर तक आ गया। गाइस मेरा कोयला पूरा पैर पूरा काला काला हो गया। गाइस देख रहे हैं मेरा दोस्त नीचे है और मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस फाइनली हम चढ़ चुके हैं और देख रहे हैं कोयला उतार रहे हैं। तो गाइस हमारे सार देख सकते हैं यहाँ से कैसे दिख रहे हैं। मोटा सांस फूल गए गाइस क्योंकि मेरा दोस्त वो देखिए नीचे खड़ी है, सॉरी खड़ा है। और देखिए आगे डैम दिख रहे हैं आपको और मेरे ये फिर हम लोग का इलाका है, मतलब अपना छोटा मोटा शहर बोलते गाइस। देख रहे हैं और हमारे चिल गिदड़ जी पूरा घूम रहे हैं और देखिए यहाँ पर ट्रैक चल रही है और ये गाइस मज़ा आ रहा है। ऊपर ऊपर कितना चढ़े गए और गया इतना ही है। सो गाइस देख रहे चारों तरफ कोयला है और यहाँ पे जो भी कंपनी से एक्चुअली उषा मार्टिन का ये इलाका है और जो भी है रिजेक्टेड कोयला वगैरह डांस वगैरह निकालते हैं उससे हल्का फुल्का जल जाते हैं, उससे घरों को थोड़ा उससे मतलब लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाती है, थोड़ा घर में चलाने लायक। देख रहे हैं सो कैसे लग रही है हो जाएगा। सो गाइस देख रहे हैं हाथ पूरा काला काला हो गया। पैर देख रहे हैं, पैर देख रहे गाइस पूरा पैर पूरा काला काला हो गया। हमारे दोस्त नीचे खड़ा है और देख रहे हैं चारों तरफ कोयला ही कोयला गाइस। आगे भी रास्ता है तो पर मैं आगे नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि आगे का नज़ारा उतना खास नहीं है एक्चुअली, नज़ारा यहीं पे अच्छा। सो गाइस वहाँ पे गरम गरम कोयला निकाल कर भी रखे हैं देख रहे हैं। सो गाइस तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा आगे। सो गाइस देख रहे हैं मेरा पैर पूरा भर जाएगा गाइस, देख रहे हैं पैर पूरा भर जाएगी। देख रहे हैं चारों तरफ कोयला कोयला गाइस, देख रहे हैं कोयला कोयला गाइस। और यहाँ देख रहे हैं अलग अलग हाईवे से ट्रैक से आते हैं, अलग अलग वहाँ पे रिजेक्टेड जो भी माल होता है उसको यहाँ पे फेंक देते हैं, जो कि देख रहे हैं चारों तरफ कोयला ही कोयला देख रहे हैं। हाँ सो देख रहे हैं अपना शहर कैसे लग रही है। तो गाइस फाइनली हम उतर रहे हैं, बहुत ही मज़ा किया गाइस और अकेले में उतना मज़ा नहीं आया गाइस क्योंकि मेरा दोस्त वो उसको चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ और थोड़ा मोटा तो पतला गाइस इसलिए हम चढ़ लिए और मैं आप लोगों के लिए उतना कर सकता था। सो गाइस मैं उतर रहा हूँ गाइस और देख रहे हैं और फाइनल दिखाता हूँ गाइस इलाका और मैं उतरने वाला हूँ गाइस और दिखते हैं। तो गाइस बने रहिए। सो गाइस मुझे अभी अब पता चलेगा गाइस मेरा दोस्त एक्चुअली में मुझे माना क्यों कर रहा था। सो गाइस देख रहे कितना ढलान है, अगर यहाँ से अगर थोड़ा भी हल्का फुल्का ये हुआ तो गाइस लड़क नीचे आ गया, अपने शहरों पर जा पहुँचूँगा। तो गाइस थोड़ा भी अगर मिस्टेक हुई तो लड़कने का चांस बना रहेगा। तो मैं उतरता हूँ इसके सहारे। तो गाइस बता रहे थे भरोसा हो गया था गाइस, मैं बोल रहा था कि इसका शायद भरोसा लायक है कि नहीं गाइस, तो भरोसा लायक है गाइस। देखिए गाइस पूरा हाथ काला काला हो गया और मैं कर रहा हूँ उसके सहारे क्योंकि मेरा सर चकरा रहा है। सर चकरा रहा है। So guys, इसके सहारे हम कर रहे हैं क्योंकि फिर मेरा चकरा रहा है इतना। पता नहीं मेरे भाई लोग कैसे ले जाते हैं, इतना मुश्किल का सामना करके यहाँ से कोयला ले जाते हैं, पता नहीं। पर हम तो खुद ही उतरने के लिए सोच रहे हैं। फिर कोयला यहाँ से कैसे ले जाता था। तो गाइस होता है गरीबी में, ऐसा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है गाइस। तो देख रहे हैं, तो गाइस देख रहे हैं कितना मुश्किल से उतर रहे हैं और कुछ ही दूर बचा हुआ है, कुछ ही दूर बचा हुआ है जो मेरा रस्सी का सहारा ख़त्म होने वाली है गाइस। तो गाइस एक रस्सी ख़त्म हो गई। तो गाइस यहाँ से मुझे इसके बिना मुझे उतरना पड़ेगा। सो गाइस अभी थोड़ा रिक्सी है, आप उतरना पड़ता है। सो गाइस मैंने ऊपर में चप्पल छोड़ा था गाइज और उतरते टाइम उसको लेना ही भूल गया। तो गाइज मुझे थोड़ा हल्का फिर से उतरना पड़ेगा। तो गाइज मेरे ऊपर में चप्पल देख रहे हैं, कालू कर में भूसा गया गाइज, हाथ पूरा काला काला हो गया, नहीं सकते गाइज, मेरा हालत कैसी हो गई। तो मुझे चप्पल वहाँ जाना पड़ेगा। सो गाइज चलते हैं। लेकिन चप्पल पहन के बहुत खतरा, डर लग रहा है। स्लिप कर रहा देख रहा। यहाँ देखो खींचा रहता था, कोयला हो जाएगा, कोयला था। आओ देख रहे सो गाइस हम इतना ऊपर चढ़े थे गाइस। सो करीबन 500 से ऊपर फीट होगा गाइस। हाँ सर, अभी भी यहाँ से 100-150 फीट यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा गाइस। तो देख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं ऊपर, पर बादलों पे छू रही इतना चढ़े थे। सो आपके लिए इतना मेहनत तो हम किए हैं। सो गाइस आप भी थोड़ा मुझे कॉपरेट कीजिए और मुझे सब्सक्राइबर कमेंट मारा कीजिए। सो गाइस देख रहे हैं मुझे इतना उतरना पड़ेगा, देख रहे हैं इतना ढलान देख रहे हैं, हल्का फुल्का झुड़ गई है। और पहले वो जगह देख रहे हैं, यहाँ ऐसे ही हुआ करती थी, गाइस। और यहाँ पे क्या हुआ ना, बारिश की वजह से और थोड़ा वो सब कांसे वगैरह जो पेड़ पौधा थोड़ा आ गए हैं, जिस कारण से इस टाइप में जो दिखते थे ना वो इसमें नहीं दिखे हैं। देख रहे हैं पेड़ वगैरह हल्का हो गए हैं। और यहाँ भी थोड़ा देख रहे हैं, अभी चलिए कोयला का ही है, पेड़ उग गए हैं। तो देख रहे हैं और देखिए बारिश के चक्कर में ढलान मतलब धस गई है और यहाँ बारिश रहती है, इसलिए थोड़ा नहर टाइप में हो गई है। तो देख रहे हैं और मैंने आपको बताया था यहाँ पे डस्ट होने के कारण यहाँ के पेड़ों की हालत बहुत ख़राब होती है गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ एक। सो देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ों की बहुत ही बुरी हालत होती है, तो पेड़ों को छूना भी तो देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं, मैं करीब से दिखाता हूँ आपको गाइस। सो देख रहे हैं, यहाँ पे पेड़ों की हालत क्या हुई है, देख रहे हैं, छूने से भी दाग लगेगा। देख रहे हैं, देखिए इतना डस्ट। सो देख रहे हैं पेड़ों की हालत बहुत ख़राब है, देख रहे हैं वो पेड़। और हम लोग उस जगह से आए थे, बाइक उधर है और इधर भी रास्ता है। तो हम लोग उतर गए हैं एक्चुअली, और कुछ इधर बाकी है। तो देख रहे हैं और चारों तरफ कहाँ से होगा जोड़ दिख रहे हैं और रास्ता पता नहीं किधर से कौन सा रास्ता होगा ये वाला ना। सो ये वाला रास्ता से हमें चलना पड़ेगा और एक रास्ता है सो इसमें जाना है सोचना पड़ेगा पता नहीं। हाँ सो इधर से जाएंगे तो देख रहे हैं। सो गाइस वहाँ से रिटर्न होते होते बहुत ही काफ़ी लेट हो गई है, करीबन 12 साढ़े 12 1 बज गए गाइस और सुबह नहाए नहीं थे, फ्रेश नहीं हुए थे। सो गाइस मुझे अब थोड़ा फ्रेश होना पड़ेगा और अगर मुझे ब्लॉग अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट्स मार दीजिए गाइस, क्योंकि मुझे कमेंट से बहुत ही मोटिवेट मिलेगा जिससे मैं आने वाले दिनों पे अच्छे जगह पे प्लेस पे जाके आपको ब्लॉग कर सकूं और आपको हर जगह एक्सप्लोर कर सकूं गाइस। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।